अब लग रहा ट्रैक पे जा रहे हैं। बहुत ही बेसिक सिंपल ट्रैक है ये, ट्रैक नहीं बोल सकते, वॉक बोल लो आप। हाँ वो तो हो सकता है पानी में जाने के बाद ही आएगी, तभी स्मेल आएगी। माउंटेन्स के अंदर या कहीं पर भी है तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज शेल्टर, फूड इज नॉट द थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट है शेल्टर। ठंड लगी तो आदमी सोचते कि मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ तो ठीक है, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर इतना ड्रॉप हो जाता है कि उसको महसूस नहीं होना लगता, बंद हो जाता है, ठंड भी लगती है। आईआईटी के इंजीनियर आगे भी जा सकते हैं, चलते हैं फिर। पानी ले वाटरफॉल तक पहुंच गए हम। चलो नाइस, यहाँ पे स्टेप रखो इस पे। अभी हम इस थोड़ा सा एक गुफा टाइप का था, यहाँ से आए, बहुत ही प्यारा गुफा थी। अब लग रहा ट्रैक पे जा रहे हैं। बहुत ही बेसिक सिंपल ट्रैक है, ट्रैक नहीं बोल सकते, वॉक बोल लो आप। और ये पूरा जो सेंचुरी है यहाँ का उसके अंदर आता है, शेपर्ड्स भी हैं काफ़ी। तो हम लोग की जो फैमिली है और इंस्ट्रक्टर हैं और मैं हूँ, सब मिलजुल के चल रहे हैं हम लोग। तो ऐसी जगह पे आप मिलजुल के चलोगे तभी अचीव कुछ अच्छा कर सकते हो और सेफली जा सकते हो। आपने बोला ही ऐसा। अच्छा जैसे आराम से आ जाओ, नीचे से तो पूरा खाली है, नीचे से यहाँ रखो पहले, यहाँ पर आ जाओ, अब आ जाओगी आराम से। एक और पेड़ ये देखो, तो पतला है। अच्छा हाँ, इसकी पत्तियाँ भी अलग हैं, पत्तियाँ पेड़ ही अलग है। हाँ ये पेड़ अलग है, ये पेड़ है आप देख रहे हो सर, ये पेड़ है, इसको बोलते हैं टेक्सास पेड़। इसकी चाय बनाना अभी ले चलेंगे हम लोग। यही चलिए बनाइएगा, कितना लगता है आपको काम आए। हाँ यार पॉकेट में डाल देता हूँ, लेकिन मैं तो बैग भी लेके नहीं आया। स्मेल तो नहीं है। हाँ वो तो हो सकता है पानी में जाने के बाद ही आएगी, तभी स्मेल आएगी। एक्चुअली ये थोड़ा सा बाहर है, ये जो इसका ये अंदर है ना ये वाला। ओके ये तो हम वो उसका वो वाला ले रहे हैं ऊपर का। मतलब इससे दो लोग के लिए चाय बनानी है तो कितना पड़ेगा इसमें? तो कितना डालना चाहिए? चाय पत्ती उतनी भी पड़ेगी, सब पड़ेगा और सब नहीं पड़ेगा ना, चाय पत्ती थोड़ी डालेंगे। अच्छा चाय पत्ती नहीं, बस इसे पानी और दूध में ये डाल दें बस। और भोज पत्ता का पेड़ है ना, ये भोज पत्ता
भोजकर पत्ता का पेड़ अगर इसमें पानी नहीं लगे ना सर तो लोहे के उपचार में, लेकिन अगर इसमें पानी पड़ गया तो ये खत्म है। ऐसा बताइए जो यूनिक हो थोड़ा। कोई ऐसा नहीं है कि भाई लाइक आपको मैं जो सबसे आपके हिसाब से सबसे बेस्ट हो वो बताइए। नहीं सब तो नॉर्मल है, अच्छे अच्छे होंगे। मैं तो ज़्यादा जो अच्छे कितने बंदे थे उसमें? 5 लोग थे उसमें टूरिस्ट। लेकिन अगर आप मेरा सबसे जो लॉन्गेस्ट और हार्डेस्ट 2005 जिसमें एक महीना पूरा मैं अच्छा जवाहर टनल में था कश्मीर में। इन्हें आई टी वी टी के पूरी बटालियन में तकरीबन डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, पूरा लोकेशन डिस्ट्रॉय हो चुका। हंड्रेड ऑफ अब सर्विस पे सब समय हाँ तब मैं आया लास्ट ऑप्शन इज प्रोबिंग सिस्टम होते हैं वो होता है 6 फीट का वो प्रोब को हम उसमें अंदर डालते हैं वी चेक देंगे अच्छी डिटेल बताते हैं। अच्छा मतलब खून अगर आया उसमें लग के तो खून भी पता लग जाता हमारे को। शाम को आप लोग जहाँ रुके थे रूम में वहाँ जाते थे तो वहाँ जाना फिर ओनली दैट ड्रेस और वो पूरा कम्प्लीटली गीला गीला हो जाता था। तो हमने अगर कैरो हीटर्स वगैरह होते थे तो हमने कैरो हीटर जलाना रूम में खाना पीना खाने के बाद हमने पूरे कपड़े उतार देने दैन फिर हम लोग स्लीपिंग बैग में घुस जाते थे कि पूरी रात मतलब 12-1-2 बजे तक हम लोग कपड़े सुखाते थे क्योंकि सुबह वही कपड़े हम लोग पहनते थे वो कपड़े सुखाते थे तब फिर 1-2 घंटा सो जाते थे फिर सवेरे उठना हमने फिर निकल जाना फिर रेस्क्यू जो आदमी जाता है मतलब आर्मी जो भी टीम होती जाती है अब वो नीचे से ऊपर आ गई अब उनको मान लीजिए 15-20 दिन रह जाए तो खाने का कैसे मैनेज करते हैं? खाने का तो हम लोग लेके जाते हैं एडम लॉजिस्ट को कैरी करके। अगर आप एक महीना रहना है एक महीना रहना तो देखो वही है प्लानिंग कोई भी काम करो। हाँ बिल्कुल वो चीज़ें अगर आप माउंटेन में हैं तो ठीक है देर आर लॉट ऑफ लाइक अब ऐसी जगह में आओ तो यहाँ पे वेजिटेबल्स बहुत मिल जाते हैं यहाँ से सर्वाइवल के लिए खाने के लिए कई चीज़ें आम तौर पर हम लोग खा लेते हैं यहाँ पे या फिर आप यू हैव टू हंटिंग द लाइक कहाँ मिलेगा आप कुछ जाल बिछा सकते हो आप लोग या अगर नदी का स्ट्रीम वगैरह कहीं है तो फिर आप फिशिंग कर सकते हो। माउंटेन्स के अंदर या कहीं पर भी है तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज शेल्टर। फूड इज नॉट अ बिग सबसे इंपॉर्टेंट है शेल्टर यहाँ पर ठीक है। अगर किसी माउंटेन में आप फंस जाते हो आप रात को अगर बाहर रह जाते हो आपको खाना नहीं मिलेगा यू कैन सर्वाइव 1 डे 2 डे 3 डेज खाने के बगैर हम लोग 20-22 दिन तक भी सर्वाइव कर सकते हैं यू नो खाने के बगैर यस और पानी के बगैर 3 दिन तक आप सर्वाइव कर सकते हो 3 दिन के बाद नहीं देन बॉडी गेट कम्प्लीटली डिहाइड्रेटेड ठीक है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका शेल्टर लेकिन इफ़ यू आर नॉट गेटिंग द शेल्टर और उस माउंटेन में तो यू कांट सर्वाइव हो तो 1 नाइट क्योंकि माउंटेन में टेम्परेचर रात को अगर उस जगह पर अगर विंडी है विंड ब्लास्ट है मतलब हवा चल रही है तो इट्स नॉट ईजी टू सर्वाइव। तो शेल्टर इम्पॉर्टेंट है तो शेल्टर मिल गया आपको तो यू कैन सर्वाइव। कोई शेल्टर मिल गया कैप मिल गया रॉक ये है शेल्टर ही है रॉक के अंदर आप बैठ गए गुफा के अंदर बैठ गए तो शेल्टर है दिस इज गुड शेल्टर। अगर कुछ ऐसा भी नहीं मिला तो देन यू शुड नो टू हाउ टू मेक द इम्प्रोवाइज शेल्टर कैसे आप इम्प्रोवाइज शेल्टर बना सकते हैं। अगर जंगल है तो जंगल में कैसे हम शेल्टर बना सकते हैं ये पेड़ है पेड़ों के पत्तों से हम लोग शेल्टर बना सकते हैं। अगर जंगल नहीं है ट्री लाइन के बोल्डर एरिया है पत्थरों का एरिया है तो हम पत्थरों से कैसे हम चिन करके शेल्टर बना सकते हैं। अगर आप स्नो बाउंड एरिया में बर्फ़ के अंदर है तो बर्फ़ के अंदर कैसे हम शेल्टर बना सकते हैं दैट इज़ वेरी स्पेशल ट्रेनिंग लाइक हाउ टू मेक द इग्लू कि बर्फ़ को इग्लू कैसे बनाते हैं घर कैसे। अब मान लो आपको शेल्टर भी नहीं मिला आप एक माउंटेन में फंस गए हो रास्ता भटक गए हो बिकॉज वही होते माउंटेनियर के साथ होता है कि माउंटेन में रास्ता भटक जाता है तो उसके बाद वो सब एक ही जैसा दिखता है ना आप सोचता मैं कहाँ जाऊँ और ठंड भी लग रहा है उसको अब ठंड लगने के बाद आदमी सोचता कि मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ तो ठीक रहूँगा लेकिन बॉडी का टेम्परेचर इतना ड्रॉप हो जाता है कि उसको अब महसूस नहीं होना बंद हो जाता है बॉडी कि मुझे ठंड भी लग रही है और वो क्या होता है वो बैठ जाता है आग एक बार वंस ही सीटेड समझ लो फिर वो परमानेंटली सीटेड हो फिर वो कोमा में चला चले जाएगा वो ख़त्म। तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए लोगों को कि अगर आपको ट्रैक भटक गए आपको नहीं पता कहाँ जाना है मैं चलता रहूँ तो कहीं और जगह भटक जाऊँगा वी हैव टू वेट द लाइक देन आई विल नो द वे या मौसम क्लियर हो जाए
या फिर सुबह हो जाए, तो अगर रात को ऐसे फंस गए तो देन क्या करना चाहिए किसी को भी, या व्हाट वी कैन डू इज लाइक, अगर हमारे पास कोई बैग है, कुछ हम सामान कैरी कर रहे हैं या कुछ भी है, मान लो स्टिक ही है, तो इसको यहाँ पे हमने खड़ा कर दिया और देन स्टार्ट द टेक परिक्रमा। पूरी रात आप उसकी परिक्रमा काटते रहो तो यू कैन सर्वाइव, तो तुम जिंदा रह सकते हो, मतलब उसका क्योंकि बॉडी चल रही है ना, आपको मेंटेन है, तो ब्लड सर्कुलेशन चलता रहेगा तो आदमी जिंदा रहेगा। मुझे वो समझ नहीं आया, मतलब डंडा इसलिए कि आप भटकोगे ना कहीं, कि आपको ये है तो मैं इसके परिक्रमा, अगर मैं ऐसे दाएं आप बोलोगे भी मैं पूरा कहीं भी चलते रहो तो कहीं भी चलते रहो तो कहीं भी चले जाओगे आप, तो नहीं जाना है। जब आपको रास्ता नहीं पता तो आपको नहीं मूव करना माउंटेन में, और कभी भी हाइट लूज नहीं करना जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं कि मेरे को यहीं जाना है, आप हिल में चलते रहो, क्योंकि हाइट लूज करना ईजी होता है, ठीक है। तो ये वो सबसे ईजी टास्क लगता है ना, चलो नीचे चले फिर। काफ़ी अच्छी नॉलेज दिया सर ने, ये इसका पूरा एक अलग से वीडियो बना के मैं डालूँगा। अगर आप ऐसे कुछ एडवेंचर प्रोग्राम करना चाहते हो देन आई रिकमेंड कि आप इनका कैंप ज्वाइन करना जब भी शेड्यूल होता है वो। ये तो फिर कई लड़के हैं जिन्होंने मनाली में अपना फिर होटल आईआईटी के इंजीनियर ग्रेट पर्सनालिटी हूं, बट मेरा ये आपको पता है ना, सही बात है, नहीं सबकी किस्मत सही थी। एंड आई एम टेलिंग यू इज द बेस्ट, आप नहीं गए फौज में, मैं सच बता रहा हूं, सही अगर आप सही बताओ सर, फौज ही नहीं, ठीक है, मैंने मस्ती करनी थी पहाड़ों में, सब अच्छा। तो डाइट पे भी प्लान करती है, डाइट पे प्लान नहीं करती नॉर्मल, ये कितना कर चल लेते हैं दिन में, तो पूरा सुबह पता है घूम ले जाऊँ, कोई शावर मिल गया दो गिला दूध दो गिला लेता फ्रेश, अच्छा ताज़ा फ्रेश बस, ठीक है, ऐसे आता हूँ फिर आधा किलो दूध में फ्रेश गाय का यहाँ देता हूँ, वो पी लेता हूँ खाने पीने के, अंदर से बोर हो रहे हैं मैं आदमी, वो देखो देखो आराम से आराम से बोल, आदमी देख के आइडिया लगा था कि मैंने इंजॉय करना। एक चीज होती है तो नीचे वाले लोग लगता है ऊपर लाइफ बहुत बढ़िया है, यहाँ वो लाइफ जीनी है, ऐसे ही मतलब ऊपर वाले को भी लगता होगा यहाँ नीचे बढ़िया आराम से लोग जी रहे हैं। देखो यहाँ की लाइफ ना, यहाँ की लाइफ कुछ दिन के लिए अच्छा है, माउंटेन लाइफ नॉट ईजी, अब लोग लगता है यहाँ लोग क्या जन्नत में रहते हैं, ये रहते हैं, क्यों सर सबको ऐसे ही लगता है, हाँ सबको ऐसे ही लगता है, विंटर आता है ना सब इधर हालत पतली हो जाती है यहाँ पे, घरों में सर पानी जम जाता है, सर पानी नहीं मिलता, मैं बता रहा हूँ व्हाइट चिल्ड में था अभी, पानी जम जाता है, टॉयलेट जम जाते हैं, व्हाइट चिल्ड में था -15 डिग्री, वो टॉस के ऊपर गर्म जाना था बाथरूम, तो बाथरूम जाने के लिए बर्फ तोड़ी है, उसके अंदर से पानी निकाला फिर उसको यूज किया, यहाँ तो सर वो भी नहीं मिलता, नदी से लगा करता पानी, अच्छा यहाँ पे सर्वाइव करने से विंटर भी वेरी टफ, तो जो लोकल लोग हैं वो अपना सर्वाइवल तो है ही है, फिर उन्होंने पशु जो पाले उनका सर्वाइवल है, घास खत्म हो रहा है, क्या करें क्या नहीं करें, घास सूख जाती है, मैंने देखा ऊपर नमक खिला जाता है गायों को, नमक के पीछे खाने पशु, यहाँ सर्दियों की लाइफ बहुत टफ, नवंबर के बाद यहाँ पे यहाँ कितना रहता है टेम्परेचर ठंडी, नवंबर के बाद एवरी डे लाइक, अच्छा लेकिन हवा भी बिलीव नहीं करोगे, मार्च में -7 तक तो हमारे यहाँ टेंट में जाते थे टेम्परेचर, मेरे क्लाइंट जो मार्च में अप्रैल में सॉरी यहाँ रुकते थे मेरे पास, कोई बताते थे मेरे को सर रात को टेम्परेचर -7 था, आप नहीं रुकते थे क्या, मेरे तो यही मैं कहा जा रहा हूँ, मैं तो यही रहता, अरे उनका तो अच्छा टेंट था, मेरे पास तो छोटा टेंट है, अच्छा हाँ, तो ये बटसरी का रास्ता है, अच्छा अच्छा अच्छा
का प्लान ये है कि हमें जाना है वाटरफॉल की तरफ पीछे उधर, तो वहाँ से इसके बाद हम वापस आएंगे। अभी हम लोग स्लोप पे हैं, हाफ पैंट पहन के आए हैं हम दो लोग, हैं तो थोड़ा कांटे अवॉइड करते हुए हमें किनारे किनारे चल रहे हैं। उधर से आते ना तो पक्का दो चार कांटे निकलने थे अपने को बैर को। पूरा साल चलते रहते हैं। अच्छा, घर टाइप में नहीं रहता, घर टाइप में नहीं होता, घर तो इनका अपना है, घर छोड़ा होता है रास्ते में, घर जाते हैं कभी जो भी भीड़। हाँ अच्छा, वो स्लीपर्स पहन के नहीं आया मैं, नहीं तो मेरे तो गिरना था, फिर टूट जानी थी स्लीपर्स। दो तीन दिन से रह रहा हूँ ना, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। कॉन्फिडेंस इसलिए क्योंकि मैं सोलो जा रहा हूँ। पहले फ्रेंड लोग रहते थे कि उधर ये लोग आगे चलेंगे, रास्ता बताएंगे कैसा है, तो मैं आगे चलूँगा पिछला। ये रहता था पहले, तो फाइनली स्टीप वाला रास्ता ख़त्म हो गया। 5 मीटर बचे हैं और फैमिली में दिक्कत हो रही है, तो प्रद्युमन सर एक करके लेके आ रहे सबको। और आप पहुँच चुके हैं वाटरफॉल, दिखाता हूँ मैं आगे। आगे भी जा सकते हैं, चलते हैं फिर। फाइनली वाटरफॉल तक पहुँच गए हम, बहुत ही सेक्सी व्यू है, प्यारा सा। तो अब तो मुझे लगा कि हम आगे भी जा सकते हैं, तो आगे जाएंगे अब, जहाँ तक पॉसिबल है। पूरा ये बर्फ का पानी है, आ जाओ आराम से आ जाओ, इधर सीधे आओ, सीधे सीधे स्ट्रेट आओ, स्ट्रेट। मैं लेते आऊंगा, चाहिए क्या बॉटल चाहिए? कब जा रहे हैं? चलो नाइस, यहाँ पे स्टेप रखो इस पे। परफेक्ट, नहीं ये खड़े रहो, मैं इनको घुमा घुमा के आता हूँ। नहीं आ जाएंगे, मैं आज खींचता हूँ, आराम से। सो फाइनली ट्रैक करके हम लोग नीचे आ गए, ऑलमोस्ट नीचे बस आने वाला है बेस पर, जो भी टेंट था वहाँ पर। फिर इसके बाद मैं नहाऊंगा, लंच करना है आज, प्यास बहुत लगी है, जल्दी जल्दी मैंने बॉटल भी लाना भूल गया पानी का, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगा ये चीज़। बाकी टोटल लेंथ देखा जाए इसकी अगर, बहुत ईजी है, मुश्किल से 1 घंटा लगेगा कोई ऊपर जाने में, और 40-50 मिनट नीचे आने में। और आगे तक जाना है थोड़ा सा उसके नीचे, एकदम वाटरफॉल के नीचे तक जाना है अगर, मैक्स टू मैक्स 1.5 घंटा अगर आराम से चलते हो तो, ये तो 1 घंटा बहुत है। बस यही सीन है इसका, एक्सपर्ट के साथ जाने में यही फायदा रहता है कि एक्सपर्ट के साथ जाने में
बारे में ये फ़ायदा रहता है कि आपको हिडन चीज़ें मालूम चलती हैं। अगर अकेले जाओगे तो आपको एक्सपीरियंस नहीं है ट्रैकिंग का, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है ट्रैकिंग का तो वो सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं।